और वीडियो अपलोड करते समय बिल्कुल भी ये गलती भूल कर भी नहीं करिएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि शॉर्ट वीडियो जब आप लोग अपलोड करते हैं तो ये गलती भूल कर भी मत करिएगा। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, जैसे कि हाउस वाइफ होती, जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत सी लेडीज़ हैं, भाई बहने हैं, स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं कि 10-15 वीडियो एक साथ बनाकर अपने यूट्यूब में रख देते हैं। तुरंत ही उसको कभी भी पब्लिक, प्लीज़ कभी भी पब्लिक मत करिएगा। उस वीडियो, शॉर्ट वीडियो को बनाकर उसको यूट्यूब में जाकर उसको क्या नाम है सेव कर देना। वो सब सीधे कहाँ जाता है? YT स्टूडियो में जाता है। कुछ लोग होते हैं 10-15 वीडियो बना लेते हैं, उसको धड़ाधड़ उसको सेंड कर देते हैं, तो इस तरह से व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते। वो व्यूज हमेशा 10-15 व्यूज ऐसे ही रह जाता है, और वो व्यूज फिर रुका ही रहता है, फिर वो आगे यूट्यूब जो है आगे पब्लिक के बाहर नहीं भेजती हैं, ठीक है। अगर आपने 10-15 वीडियो एक साथ बनाया है तो उस क्या नाम है वीडियो को यूट्यूब से बनाकर उसको क्या नाम है डाउनलोड होने के बाद वो वाइट स्टूडियो में जाकर सेव हो जाता है। फिर उसको क्या करना है, आपको अनलिस्टेड में ही उसको रखना है, ठीक है। अनलिस्टेड में ही रखिएगा, फिर उसका जो भी थंबनेल वगैरह है, टाइटल वगैरह है, उसको जब आपको टाइम मिलता है तो उसी टाइम आप सारा कुछ उसका मेंशन करके उसको रख दीजिए, ठीक है। थंबनेल्स वगैरह इतना अच्छा बनाइए कि जब भी कोई पब्लिक उसको क्या नाम है सर्च करे तो उस थंबनेल्स में आ जाए। कि आप लोग टाइटल में जब कुछ मेंशन करते हो, जैसे कॉमेडी, तो जो हैशटैग जो होता है हैशटैग उसमें जरूर लगाइएगा। जैसे कॉमेडी है, जो एक वायर लगाते हो ना, ट्रेंड जो वीडियो चल रहा है, क्योंकि जब आप कोई भी जैसे कोई भी कुछ सर्च करता है यूट्यूब में कि कॉमेडी वीडियो, जैसे हम हैं कि कॉमेडी वीडियो आते हैं, कॉमेडी सर्च करते हैं, उसमें कॉमेडी ही लिख कर आ जाता है। तो इसी तरह जब आप ही कॉमेडी कुछ भी हैशटैग बनाते हो तो आपका भी वीडियो उसमें शो करने लगेगा, तो तब आपकी वाई यूट्यूब में भी आपका वीडियो उसमें शो करेगा, तो यूट्यूब भी समझ जाएगा कि आपने कॉमेडी वीडियो बनाया है, तो फिर वो आपका जो वीडियो है वो कॉमेडी में चला जाएगा ही तुरंत ही। इसीलिए उसको कभी भी तुरंत ही पब्लिक प्लीज मत करिएगा, ठीक है। आपने जैसे वीडियो बना लिया है, ठीक है, जैसे कुछ दो दो तीन तीन वीडियो करके, जैसे मॉर्निंग टाइम में आपको टाइम मिलता है तो उसको आप जब सब कुछ टाइटल वगैरह बना कर रखे रहेंगे तो उसको फिर सुबह जैसे दो तीन मैसेज कर दिया, ठीक है, मतलब अपलोड कर दिया है, शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर दिया है। फिर आफ्टरनून के टाइम में भी आपने दो तीन अपलोड कर दिया, फिर इवनिंग के टाइम में आपने फिर क्या नाम है अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद रात में जब आप सोचा पाते खाना करके, फिर रात को भी आप कर दीजिए। फिर आपको जो सब्सक्राइबर होता है, जिस टाइम आपका सब्सक्राइबर देखता है कि इस टाइम पर क्या नाम है हमारा जो सब्सक्राइबर है वो आपके जो देखते हैं क्या नाम है शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसमें व्यूज आता है, 500, 1000, 2000 जितने भी जाते हैं, तब उसी में ही आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि हाँ मेरा सब्सक्राइबर इस टाइम वीडियो देख रहा है, तो उसी टाइम पे आपको वो वीडियो उसी टाइम पे तब आपको उस टाइम पे वीडियो तब आप तुरंत ही अपलोड करिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, इसीलिए जब भी आप कोई भी शॉर्ट वीडियो क्या नाम है अपलोड करिए, तुरंत ही पब्लिक कभी भी नहीं करना है। तुरंत पब्लिक करने से व्यूज बहुत ही लो आता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने गलती पहले भी कर चुकी है, इसीलिए मेरी भी व्यूज देखिए आना बहुत कम हो गया था। इसीलिए मैं अब जो भी करती सारा कुछ पहले टाइटल वगैरह सब मेंशन कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही जब मुझे फ्री मिलता है, जिस टाइम मुझे लगता है कि मुझे अपलोड करना चाहिए, तब उस टाइम ही मैं अपलोड करती हूँ। जैसे मेरा टाइम रहता है कि मैं अपना वीडियो ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में मैं 12 बजे तक ही अपलोड कर देती हूँ शॉर्ट वीडियो, फिर शाम को या 6 बजे तक ही वीडियो अपना अपलोड करती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि उस टाइम ही जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, तो उस टाइम मैं देखती हूँ मेरे चैनल में बहुत अच्छा ही व्यूज आता है उसी टाइम भी, तो इसीलिए मैं उस टाइम पे वीडियो अच्छे से अपलोड करती हूँ। सारा कुछ मैं अपना मेंशन की रहती हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है, कॉमेडी वीडियो बनाया है क्या है, कमेंट ऑफ वगैरह जितने भी सब कुछ है
सारा कुछ मैं मेंशन करके ही, फिर उसके बाद सिर्फ 2 सेकंड लगता है, बस YT स्टूडियो में जाइए आप तुरंत, बस एरो क्लिक करके ही अपना जो है उसको तुरंत पब्लिक करके ही आप सेव कर दीजिए, फिर तुरंत हो जाता है। आप फिर आप सोचते हो कि नहीं बस अपलोड कर दिया है, जिस टाइम करेंगे आप में धड़ाधड़ ऐसे ही बस सेंड कर दिया है। तो ऐसे जब भी कोई पब्लिक अगर आपका कोई भी सर्च करेगा, जब आप उसमें कोई मेंशन करोगे ही नहीं शॉर्ट वीडियो में, तो कैसे फिर आपका उसमें शो नहीं करेगा। कोई भी जैसे पब्लिक उसमें यूट्यूब में सर्च करता है, तो उसमें वो फिर जब आप उसमें कुछ डालोगे, जैसे आपने एक सॉन्ग बनाया, इस गाने पे सॉन्ग लिपसिंक करके बनाया है, तो उस सॉन्ग का छोटा सा ही पॉइंट चाहे आपका उसमें ही शुरू में ही इतना डालना है, तब उसके बाद आप डाल दीजिए शॉर्ट वीडियो और उसके आगे सॉन्ग ले लीजिए। जब भी कभी कोई जैसे आपने कोई गाना डाल के बनाया है, तो कोई भी जैसे पब्लिक है उसमें जब सर्च करेगा यूट्यूब में, तो तुरंत ही जब उतना ही जब हेडिंग डालेगा ना, तो तुरंत ही उसमें मेंशन होकर वो आपका भी उतना ही तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से ही शॉर्ट वीडियो वायरल होने का चांस रहता है। जब एक का ही बड़े बड़े यूट्यूबर का जब वायरल होता है, तो साथ में आपका भी उसी में ही जब आपका भी हो जाएगा, तो आपका भी पब्लिक उसमें देखेगा ना, तो इस तरह शॉर्ट वीडियो तुरंत ही वायरल होता है। इसलिए शॉर्ट वीडियो का थंबनेल इतना हाईलाइट बनाइए, नहीं कि कहीं जा रहे हैं झाड़ियाँ है पेड़ है, तो आपका फेस एक्ट्रिक होना चाहिए। ये नहीं कि झाड़ियाँ लगा दिया पेड़ लगा दिया कुछ भी कर दिया तो हमारा वीडियो तुरंत ही वायरल, ये सब गलतियाँ बिल्कुल भी आपको कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। आप अपने आप को ऐसा नहीं रखिए, अपने आप का ही फेस आपने दिखना चाहिए आपका उसमें ही। तो जाहिर सी बात है आपको मेरा इस वीडियो में देखकर समझ में आ गया, तो इसीलिए मैं आपको जो जो भी मुझे क्या नाम है गलतियां मेरे मैंने की है, तो ऐसा नहीं कह चाहती हूँ कि आप लोग भी वो गलतियां आप लोग भी करो। इसीलिए शॉर्ट वीडियो अपलोड करने से पहले जो जो मैंने बताया है, जो भी नया यूट्यूबर हो, इसी तरह मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और जो नए यूट्यूबर हो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह मैं आपको नए नए चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगा। प्लीज़ मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोगों।